हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी है। ये मूंग दाल का और सूजी का हमने उत्पम बनाया है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे नाश्ते में यूज कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी। तो वीडियो को स्किप ना करें, सारी को देखें स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर लिया है हमने हाफ कप मूंग दाल। मैंने यहाँ पे छिलके वाली ली है, आपके पास अगर बिना छिलके की हो तो आप उसे ले लें। करीब मैंने इसे 2 घंटे भिगो दिया था, तो पहले आप इसको भिगो लें। अगर आपको सुबह बनाना है तो आप इसको रात को भी भिगो कर छोड़ सकते हैं। मूंग दाल में काफ़ी प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है करीब 3 चम्मच बेसन ग्राम फ्लोर और 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, 1 से 2 चम्मच, और इसे बारीक ग्राइंड कर लेना है, स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका। और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं सारे बैटर को। तो अच्छे से हमने इस बैटर को निकाल लिया है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक हमने इसे पीसा है। अभी यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप सूजी। सूजी से इसमें दाल का थोड़ा फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए हमने सूजी ली है। और इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे दही और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स करके करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसमें दाल का टेक्सचर थोड़ा कम हो जाए और इसमें टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अच्छे से सूजी आप पतले वाली या मोटे वाली कोई सी भी ले सकते हैं। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से आप देख सकते हो सूजी हमारी फूल चुकी है, तो अब इसको दाल के साथ ही ऐड कर देंगे। बहुत ही कमाल का और टेस्टी दोस्तों ये नाश्ता बनता है। आप इसे झट से बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसके साथ चटनी भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे इसको बड़े ही शौक से खाते हैं। आप एक बार बनाओगे तो सभी बच्चे और बड़े इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिर्च तो हमने पहले इसमें ऐड ही कर दिया था, तो थोड़े से हम इसके अंदर मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे डाला है हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 स्पून डाला है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाला है हमने यहाँ पे चाट मसाला। इससे क्या है, इसका टेस्ट काफ़ी उभर कर आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे इस बैटर को थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। तो बैटर हमारा लगभग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। ज़्यादा हमें इसमें पानी की मात्रा नहीं रखनी है, थोड़ा ही हमने इसमें 2-3 चम्मच के करीब पानी ऐड किया है। और थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी, हल्का सा, ये थोड़ा थिक है, थोड़ा सा ही, करीब हमारा इसमें 1/2 कप पानी जाएगा। और यहाँ पर हमने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है और एक टमाटर को। इसको हम जब अपना ये नाश्ता बनाएंगे इसके ऊपर टॉपिंग करने के लिए काम आएगा। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च और पनीर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज और आलू लिए हैं, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा डाला है हमने यहाँ पे इसमें चाट मसाला, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। मेरे बच्चे हरी मिर्च कम खाते हैं, तो मैंने हरी मिर्च को इसमें कट करके नहीं डाला है, नहीं तो आप 2 हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके उसे इसमें ऐड कर सकते हैं रेड चिली पाउडर के जगह। तो अच्छे से तैयार हो गया है हमारा बैटर भी। तो यहाँ पे लिया है हमने थोड़ा सा खाने का सोडा, तो यहाँ पे खाने का सोडा डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सोडा डाले बिना इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपका मन करे आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे हमने लिया है पैन, नॉनस्टिकी तवा है, और 1 स्पून मैंने करीब इसमें घी लिया है। ज़्यादा इसमें बिना ऑयल फ्री नाश्ता है ये, बिल्कुल भी ज़्यादा हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी थोड़ा सा इसको बैटर को लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है, और फैला देंगे इसमें, हल्का सा ही ऐसे डाल के हल्का सा फैला देना है। गैस को यहाँ पे रखना है हमें लो टू मीडियम, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे।
हाई फ्लेम पर हमें ये वर्क नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे और इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो सारे तीन बना लूँगी मैं इसके साथ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैन है हमारा। तो तीनों को हमने डाल दिया है। अभी जो हमने प्याज और टमाटर का कट करके रखे थे, थोड़े से हम उसके ऊपर डाल देंगे। इससे टेस्ट बढ़कर आता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। बच्चों को इस तरह का नाश्ता काफ़ी भाता है और वे खुश हो जाते हैं काफ़ी। तो अच्छे से इसको इसके ऊपर डाल देंगे सभी में, और धीरे धीरे जब ये पकेगा, जब इसका कलर चेंज हो जाए तब हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखें कि आप इसे नॉनस्टिक तवे का यूज करें तो उस पर ये फटाफट से उतर जाते हैं। वैसे आप इसे सादे तवे पर भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, अभी हम इसको पलट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी तो है ही, क्योंकि मूंग दाल काफ़ी हेल्दी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आज मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, आप चाहे तो इसके साथ चटनी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने चटनी नहीं बनाई है इसके साथ, मेरे बच्चे इसी तरह से इसे खा लेते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भाता है नाश्ता। तो आप इसके साथ नारियल की चटनी बना सकते हैं, मैंने कई बार बनाकर दिखाई हुई है। फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा नारियल कट कर लिया फ्रेश वाला, और उसमें थोड़ा चना दाल और थोड़ा हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, प्याज डाल के आप इसे ग्राइंड कर ले और तड़का लगा ले राई और करी पत्ते का। तो इस तरह से आपकी चटनी भी तैयार हो जाएगी दोस्तों। और नहीं तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं सॉस, या उसके साथ हरी चटनी भी बना सकते हैं आप इसके साथ। तो बहुत ही बेहतरीन ये नाश्ता हमारा लगता है दोस्तों। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। तो अच्छे से ये दोनों तरफ से हमने सेक लिया है, और अभी अलटते पलटते हुए अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितना कमाल ही लग रहे हैं देखने में, तो खाने में बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। धीरे धीरे से जब ये सीखते हैं तो अच्छे से अंदर तक सीख जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको दिखाना भूल गई, जब आप इसको पलट ले तो थोड़ा सा इसमें होल कर दें धीरे धीरे से, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये जो बचा हुआ बैटर था, इसमें करीब हमारे 6 उत्पम बनकर तैयार हुए हैं, 6। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लें, अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो और ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़े ही बनाए हैं, क्योंकि दो ही बच्चे हैं, दोनों को बहुत ही भाते हैं, वे ही खाने वाले हैं घर में। तो बहुत ही बेहतरीन ये नाश्ता बनाया है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। वाओ, थैंक यू सो मच।